हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज डे 38 और अभी जो है हम हैं भैया जी के वहाँ बालासन में। और फिलहाल आज का प्लान है कि हम यहाँ से निकलेंगे और सिलीगुड़ी जाएंगे, धनों को रिपेयर कराएंगे, फिर निकलेंगे हम आसाम के लिए। तो फिलहाल अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हमारा थोड़ी देर में निकलने का प्लान है। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ कि प्लान थोड़ा सा चेंज है कि अभी हम निकल रहे हैं सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से निकलेंगे आसाम और नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट करने के बाद ही अब हम वापस जाएंगे। रीज़न ये है कि भैया ने मुझे सजेस्ट किया है, गर्मी बहुत 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 ज़्यादा ही होती है आसाम में। तो मेरे दिमाग में यही गलतफहमी थी कि आसाम में गर्मी के सीज़न में बहुत अच्छा फील होता होगा क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, बट भैया जी ने ये गलतफहमी दूर कर दी। रीज़न ये, भैया जी बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक आसाम में रहे हैं। तो अभी हमारा जो है ना सारा एकदम प्लान सडनली चेंज हो गया है, और शायद मैंने कल भी आप लोगों को इस बारे में बताया था। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भैया जी का घर। चलिए, घर नहीं है, बंगलो है। और बहुत मैंने शायद भैया जी की भैया तो सो रहे हैं, ये झूला कैसे झूल रहे हैं? झूला कैसे झूल रहे हैं आप? आप तो सो रहे हैं। तो सो नहीं लेता हूँ। हाँ? आपके पास कंप्यूटर। और भैया का नाम है दक्ष, दक्ष पांडे। इनसे आप कल मिल ही चुके हैं। हाँ, हम वीडियो बना रहे हैं। हमने सोचा हम सबको मिला दें आपसे। अभी अपने दंदों गाड़ी पे सवार है। रीज़न ये है ना, बहुत डाउन था, बहुत ज़्यादा ही डाउन था। तो भैया जी ने कहा कि एक काम करो, साइकिल हम वहाँ तक छुड़वा देते हैं। तो अभी यहाँ से कितनी दूर होगा वो बालासन वाला जो बोर्ड लगा था वहाँ पे मेन? हाँ, 9 किलोमीटर की हाइट थी ना, एकदम चढ़ाई है। उधर तक भैया ने साइकिल छुड़वाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। तो अभी धनु ऐसे तैयार है, हम भी तैयार हैं, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा रूम था जहाँ हम सोए हुए थे। उधर अपना सामान है, उधर अपनी धनों है। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। फिर मिलेंगे। भाभी जी लेकिन एक बार मैं ऐसे मिलाना चाहता था कि भाभी जी हैं। और बहुत, मतलब जैसा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मैं घर पे ही था, घर पे जैसा नहीं, घर पे ही था मैं। और बहुत बहुत वही तो, और बहुत अच्छा लगा यार, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं थी कि इधर आने के बाद ऐसा घर पे रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि भैया को किसी ने, भैया ने मतलब विकास सर ने वीडियो भेजी थी ना, तो एक बार सर को भी थैंक यू कि आपने भेजा, और आपने भेजा तो भैया जी ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया उस पर। और ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा,
कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तो अभी हम लोग निकलते हैं और भाभी जी आप तो भी फिर इन लोगों ने इनकी बड़ी सेवा की और इन लोग को बड़ी खुशी है कि ऐसे जगह से ये आए और साइकिल से आए पूरे दार्जिलिंग में, जहाँ साइकिल जो है एक तरह से देखा जाए तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि साइकिल कैसे चलेगी। अनएक्सपेक्टेबल एक एक्सपीरियंस रहा और इनके आने पे, मिस्टर सागर के आने पे इन लोगों को बड़ी खुशी हुई और इन लोगों ने इनके लिए जो भी करना सका कर दिए और इनके उज्ज्वल भविष्य की पूरी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को एक बार, बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के। बोली कल तो आ जाएगा ना ये तो? हाँ कल आ जाएगा। बोली यूट्यूब में आया हाँ मैं डाल दे रहा। हाँ भैया ब्लॉग कर लेंगे आज। हेलो हेलो आपको कैसा लगा भैया आए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सीधा देख के बोलो। भैया के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा। अच्छा रहा। आप क्या करोगे बड़े होके? गूगल को ओवरटेक करोगे? ये गुड़िया रिधिमा पांडे, मुझे भी अच्छा लगा। वाइब्रेट नहीं हुआ ना बेटा, जैसे एक बार अभी सही है, रिकॉर्ड हो रहा है, जब वाइब्रेट हो ना तो ये बटन एक बार फिर से दबा दीजिए। अरे भैया आए बाद में, वो साइकिल से इतना प्राउडली है, मतलब कि लगता है कि गांव से आए। भैया जी मुझे एकदम बहराइच किया था कहीं वापस से। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है ना गोराबारी में उतरना चाहते हैं, वहाँ से साइकिल से जाएगा तो गोराबारी में उतार देना। हाँ और देखना गाड़ी से साइकिल में कुछ लग के टूटे ना, सबसे बड़ी चीज की चिंता कुछ गाड़ी में कोई चीज़ ऐसा ना हो जाए कि ब्रेक व्रेक टूट जाए, किसी को पीछे से मतलब। ठीक है चलो बाबू बैठो भाई। थैंक यू आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। चलो हम लोग फिर मिलेंगे एकदम बहुत जल्दी और हम लोग भी टूर पर निकलेंगे, फिर कहीं रास्ते में मिलेंगे। भैया जी बहुत अच्छा लगा। बाय। बाय।
उधर कहीं भैया जी का बंगलो है, वो है शायद, वो जो दिख रहा है। और सिर्फ उतने दूर नीचे जाने के लिए कितना घूम घूम के आना पड़ता है इधर। अभी जो है हम आ गए हैं मेन रोड पे, अपनी दंडो उतर रही है और यहाँ का सबसे फेमस कॉलेज है ना। अच्छा ऊपर आते ही थोड़ी ठंड नहीं बढ़ गई ऐसा है ना, हल्का सा ठंड बढ़ा है ना, नीचे से ज़्यादा ठंड है ऊपर। अभी मैं पहुंच गया हूं भैया के वहां, तो भैया थैंक यू। अभी मैं यहां से निकलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भैया को वो भैया जी ने एक चाय पत्ती गिफ्ट की थी भैया जी की तरफ से आपको, आपने जो मतलब ये सारी चीज़ें इतना प्यार और इतना वो मिला मुझे, हमें वो नहीं चाहिए था। अरे ये तो एक देखिए कुल मिला जाए कि ये गिफ्ट है भैया की तरफ से आपको, और उन्होंने कहा भी है कि वो जब मेरे से जाएंगे तो आपसे मिलते हुए जाएंगे। और बहुत अभी जो है हम लोग निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, 11 बजने जा रहे हैं, तो अभी लगेज लेते हैं प्लस सही थी ना कब, नहीं तो ब्रेकफास्ट भी करके जाना। ना ना वहाँ से करके आया था, चाय पी लेना। अभी चाय पी लेता हूँ, तुरंत चाय पी के निकलता हूँ क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जाना है। भाभी जी इधर से क्रॉस करके चली गई हैं, मैंने देखा नहीं, मतलब भाभी जी का कॉल आया हुआ था तो मुझे आइडिया नहीं था वो। अभी मुझे भी निकलना है जल्दी जल्दी, तो बस चाय पीता हूँ और निकलता हूँ इधर से। और भैया जी थैंक यू सो मच। भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, फिर आऊँगा। और बिल्कुल बिल्कुल, ओके। तो फिलहाल बस इतना ही, अभी हम निकलेंगे और लगेज वगैरह तब तक अपना बांध लेते हैं।
और चाय पीते पीते कॉफी पीने वाली गई। फिर कभी आऊंगा इसी नजारे पे बैठ के कॉफी पीने। कैसा रहा वहाँ का ट्रिप? अच्छा रहा ना? बहुत। मुझे तो आइडिया भी नहीं था। भैया जी को वीडियो मिली, तुरंत उन्होंने नंबर अरेंज करवाया, कॉल किया। मैं तो गया था चाय फैक्ट्री वगैरह भी देखा मैंने। हाँ, वो, हाँ, मतलब वो मैनेजर है ना उसमें, मतलब वो उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब देखा है ना। हाँ। बाय अंकल जी। भाभी जी, भाभी जी, बाय। क्या ये सब? थैंक यू, थैंक यू। तो फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, बाय। सेफ जर्नी। और स्टेट पहुंचते ये रहता ना, पहुंचते कॉल करना। बिल्कुल बिल्कुल, पहुंच गया तुरंत कॉल करता हूँ। तो हम लोग को पता चला कि ये जगह पहुंच गए, ठीक ठाक है सब। बिल्कुल, बाय। अभी हम जो है खरसों पहुंच गए हैं, और आज अपने वापस जाने का रास्ता थोड़ा अलग है। आज हम लोग लंबे लंबे रास्ते से नहीं जा रहे हैं, आज हम रोहिणी होके जाएंगे। और ये एक्चुअली 20 किलोमीटर कम डिस्टेंस पड़ता है। लंबा रास्ता 70-80 किलोमीटर के करीब है, ये 50 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। तो मतलब करीब करीब 18-20 किलोमीटर का अंतर होता है इस रास्ते पे। तो हम लोग आज इस रास्ते से जाएंगे, और इस पे मैं रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को सिर्फ टाइमलेस दिखाऊंगा रास्ते का। तो आप लोग देखिए रास्ता कैसा है। आप अगर बाइक से आते हैं तो यही रास्ता सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत प्यारा है, ऊपर से डिस्टेंस भी कम है। तो अभी आप लोग टाइमलेस देखिए और रास्ते के मज़े लीजिए।